मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश के बाद प्रशासन चारधाम यात्रा को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए विकास नगर में गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर परिवहन विभाग ने एक चेक पोस्ट बनाई है, जहां यात्रियों के रजिस्ट्रेशन से लेकर यात्रा को जाने वाली सभी गाड़ियों की फिटनेस सहित अहम दस्तावेजों की जांच करने के बाद ही यात्रियों को यात्रा के लिए रवाना किया जा रहा है। विकास नगर के कट्टा पत्थर बाड़वाला में बनाई गई चेक पोस्ट पर पुलिस के साथ साथ प्रशासन की टीम भी मुस्तैदी के साथ यात्रियों को हर संभव सुविधा देने की कोशिश में जुटी हुई है। इस यात्रा मार्ग से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के यात्रियों की क्षमता को देखते हुए रोजाना तकरीबन 300 यात्री इस राष्ट्रीय राजमार्ग से यात्रा के लिए भेजे जा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि उन्होंने यात्रियों के लिए स्कूल और आश्रमों में रुकने की व्यवस्था के साथ ही होटल ढाबों पर रेट लिस्ट चस्पा की गई है, जिससे यात्रियों को कोई परेशानी ना हो सके। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। अभी जो ये विकास नगर में कटा पत्थर में एक चेक पोस्ट आरटीओ की खोली गई है, ये पहले डामटामा हुआ करती थी। यहाँ से बसों को चेक करके फिटनेस देखते हुए रवाना किया जा रहा है, और जिस जिस तरीके से वहाँ पे यात्रियों की संख्या बढ़ रही है उसको कंट्रोल करते हुए यहाँ से गाड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं। उसके साथ साथ जो नज़दीक में हमारे ढाबे रेस्टोरेंट हैं उनको रेट लिस्ट वगैरह चस्पा की गई है, और उसके साथ ही जहाँ जहाँ पे हमारे रहने की व्यवस्था है स्कूल में आश्रमों हमारे द्वारा रुकने वगैरह की व्यवस्था भी इनके लिए की गई है।